देखिए इसका अडर कितना ज़्यादा है और इसके शरीर में जान कितना है, ये देखिए एकदम छोटी सी गाय है। एक बाल्टी हो गया तो इसको पाटते हैं इधर डब्बे में। और इस डब्बे में भी, ये डब्बा भी फुल है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए सब लोग। हाय दोस्तों। और दोस्तों सुबह का 7:30 हो चुका है और हमारे तरफ बहुत तेज धूप निकला हुआ है और चलते हैं दोस्तों अतवरिया का मिल्किंग करने, मतलब गाय का दूध निकालने। और चलेंगे दोस्तों हम बाज़ार और बाज़ार से आएंगे तो कहीं देहात में निकलेंगे गाय देखने के लिए। दोस्तों गाय तो बहुत देख रहे हैं लेकिन पसंद जो पड़ती है उसका रेट 50-60 और जो नहीं पसंद पड़ती है उसका रेट सस्ता। चलो आओ अर्चना, चलिए आई जाइए, चलते हैं दोस्तों गाय का मिल्किंग करते हैं और जाएंगे कहीं देहात में, आएंगे बाज़ार से तो। और दोस्तों देखिए हमारी गाय पेन्हा गई है, अभी इसका मिल्किंग चालू करते हैं। थोड़ा पास में लाओ बाबू। तो दोस्तों इसका पूरा फुल मिल्किंग कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए हमारी गाय का हाफ मिल्किंग हुआ है अभी। हाफ मिल्किंग में इधर बाल्टी में, एक बाल्टी हो गया तो इसको पाटते हैं इधर डब्बे में। ये देखिए हाफ मिल्किंग हो गया और अभी हाफ मिल्किंग और बाकी है तो इसको भी करते हैं दोस्तों। और दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या खिलाते हैं कि इतना दूध देती है आपकी गाय, एक भैया पूछे हैं कमेंट में तो उनको हम बताए हैं कई बार, कई लोगों को कमेंट में भी बताए हैं और वीडियो भी डाले हैं कि हम क्या खिलाते हैं अपने गाय को, देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जा कर के। और सच में दोस्तों खिलाने से फ़र्क पड़ता है, सबूत के साथ है। देखिए उधर एक डब्बा हो गया, इधर अभी बाल्टी भी भरेगा और एक साल बाद भी, तो नहीं खिलाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ए गिराओगी क्या? देखिए लग रहा है कि ये पूरा दूध गिराएगी, इसीलिए दूसरी गाय लेना चाहते हैं दोस्तों। अब इस ये दूध नहीं निकालने दे रही है, एक साल से ज़्यादा हो गया है तो इसको थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि इसको छोड़ दें, दूसरी गाय खरीद लें और इसका मिल्किंग बंद कर दें। रुको रुको रुको। तो दोस्तों खिलाने पिलाने से ही दूध बनता है और बढ़ता है। और बहुत से लोग सोचते होंगे कि ऐसे बताता है, तो नहीं दोस्तों, बताते हैं जो सही है, क्योंकि आप लोगों के सामने प्रूफ है कि दूध इतना ज़्यादा देती है, जब खिलाते हैं तभी तो देती है। और वो भी ताज़ा ब्याउत नहीं है, एक साल बाद, 13 महीना हो गया इसका पक्का। तो आप लोग भी अगर गाय भैंस रखें तो बढ़िया से अच्छी तरह से खिलाएँ और इस गर्मी में दो बार, कम से कम एक बार रोज़ धोएँ उसको। तो दोस्तों फुल मिल्किंग करते हैं, उसके बाद से चलेंगे हम बाज़ार। ये देखिए दोस्तों, और इस डब्बे में भी, ये डब्बा भी फुल है, तो 2 लीटर तो डब्बे में है और 4 लीटर इसमें है, 6 लीटर और एक साल बाद भी। तो दोस्तों कुछ ना कुछ खिलाते हैं अलग, तभी तो इतना दूध है, एक साल बाद भी एक वक्त में 5-6 लीटर दूध है। तो आप लोग भी बढ़िया से अपने पशु को खिलाइए। छोड़ो जी, और चलेंगे दोस्तों अब हम बाज़ार। ये छोड़ो, देखिए रस्सी को दाब दी है, चलते हैं दोस्तों बाज़ार दूध लेकर के, चलिए। और दोस्तों देखिए हम दूध देने गए थे तो आ गए हैं और शाम का 5 बज गया है, क्योंकि सब्जी मंडी में 3-4 ट्रक आया था तो आलू प्याज हम लोग उतारते उतारते एकदम शाम हो गया है। और घर पर आए हैं तो अर्चना की मम्मी घर पर नहीं है, बाबू उधर खेल रहा है, अर्चना यहाँ है। तो मम्मी तुम्हारी घास काटने उधर गई हैं। देखिए घास काटने उधर गई हैं और बकरी लोग उधर है। हाँ। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग, देखते हैं कि कहाँ है अर्चना की मम्मी। आ जाओ अर्चना, चलोगी? वो इधर आई हुई हैं ये, और बकरी भी चरा रही हैं। ये क्या कर रही हैं? ये देखिए घास अब लेकर के चल दी हैं, घर जा रही थी। हाँ। तो दोस्तों देखिए और बकरी लोग इधर चर रहा है और इतना घास में हो जाएगा। और दोस्तों देखिए एक और गाय खरीदने के लिए छटपटा रही है, रुकिए। और इन लोगों को नहीं ले चलिएगा, चरेगा।
तो दोस्तों अभी ये लोग चरेगा इधर, देखिए सब बकरी लोग चर रहा है, देखिए यहाँ पे सभी लोग चर रहे हैं और छोटा बच्चा लोग घर पे है। तो एक और ही गाय खरीदना है तो घास तो ज़्यादा काटना पड़ेगा, काटिएगा ना? हाँ काटने के लिए तैयार है। हरा चारा इधर पूरा रहता है दोस्तों, हरा चारा एकदम, और भूसा तो हम लोग खरीद लेते हैं खिलाने के लिए। तो अभी बकरी लोग देखिए यहाँ पे चर रहा है और हम लोग चलते हैं। तारा आ आ आ आ आ आ, अब सभी लोग आ जाएगा पीछे पीछे। चलिए आ जाइए, देखिए बकरी लोग आ गया भाग के उधर से, बड़ा वाला खस्सी साथ में ही आ गया। अब बाबू को देखिए खा रहा है ये। तो अभी वो लोग बच्चा लोग सब आ जाएगा और अतवरिया को यहाँ रखे हुए हैं देखिए ये। और दिन में खिलाई है इसको, हाँ दिन में भी अभी खा पी करके फिट होगी, इस समय नहीं खा रही है। इतना ज़्यादा गर्मी है दोस्तों कि एकदम गर्मी से ये भी परेशान है। देखिए इधर हरा चारा है इसमें तो नहीं खा रही है, पता नहीं क्यों, और बहुत हाँफ रही है। तो अभी इसको धो देते हैं दोस्तों और चलेंगे हम लोग अभी उस गाय को देखने के लिए। और जो पिछला वीडियो में हम लोग आप लोगों को दिखाए हैं गाय जिसका मिल्किंग करके जिसका बच्चा वो 7 महीने पे फेंक दी, तो बहुत भैया लोग कमेंट किया है कि भाई उसको नहीं लो, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन होगा ज़रूर, तो फिर अगले मतलब उसका वही काम होगा, हर बार बच्चा फेंक देगी तुम्हारा नुकसान होगा और दवा इलाज भी कराना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको नहीं लीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो और बहुत लोग बोले हैं कि ले लीजिए। तो दोस्तों और हम लोग सुबह में गए तो दो आदमी तो बोले कि हाँ बेचेंगे 40 में ले जाओ, और शाम को हम लोग मिल्किंग करने गए हम पवन जी की कितना दूध है, तो शाम को बोलते हैं कि अरे भाई घर का औरत लोग बोलता है कि नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, तो हम बोले ठीक है कम से कम नहीं बेचेंगे तो मिल्किंग तो दिखा दीजिए। तो मिल्किंग उसका दिखाएं पिछले वीडियो में आप लोगों को, और आप लोग कमेंट किए हैं कि भैया ले लीजिए, लेकिन वो बेचने के लिए अब राज़ी नहीं है, तो इसीलिए जा रहे हैं आज हम लोग दूसरा गाय देखने दोस्तों। चलिए चला जाए, हाथ पैर धो लीजिए जल्दी से। पवन जी के पास हम भी फ़ोन करते हैं दोस्तों अभी। और दोस्तों अतवरिया को थोड़ा चारा डाल देते हैं और देखिए इसको, और अर्चना की मम्मी यहाँ दिन में यही काटी हुई है। और दाब कहाँ है अर्चना, दाब दिखा दो। और दोस्तों हम दाब भी खरीद लिए हैं, इसी से काटती हैं हरा चारा, हम भी काटते हैं। तो ये देखिए कितना खतरनाक है, तो इसको किने हैं दोस्तों 750 रुपये में, बनवाए हैं इसको लोहार के यहाँ। और देखिए यहाँ पे काटते काटते ये धस गया है पूरा, तो हरा चारा हम लोग काट लेते हैं भूसा मिला करके और खिलाते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों हम लोग, ये सब कुछ है रख दो तालाब घर में ले जाके। चलते हैं दोस्तों उस गाय को हम लोग देखने के लिए, अपन जी के पास फ़ोन किए हैं तो वो भी आ रहे हैं। तो आज हम लोग पैदल ही चले जाएंगे क्योंकि पड़ोस के गाँव में ही जाना है 1 किलोमीटर दूर, अंधेरा होते होते आ जाएंगे उधर से। दोस्तों देखिए हम लोग आ गए हैं पैदल चलते चलते और अंधेरा हो गया है, और देखिए इधर एक भैंस है, आ जाइए आ जाइए। और नहीं नहीं भैंस नहीं, और यही गाय है दोस्तों, आप लोग देखिए इसको, और इसका सिंह देखिए लक्ष्मीनिया सिंह है। और इसको पानी पिलाया जा रहा था तो, और इधर देखिए पूरा गड्ढा है, यहीं पे खाती है। तो चाची जी हैं तो बोले हैं कि हम कैमरा में नहीं आएंगे, तो इसीलिए हम सिर्फ गाय को दिखा रहे हैं आप लोगों को। और इसका ऑर्डर देखिए कितना बेस्ट क्वालिटी का ऑर्डर है इसका, देखिए अभी इसका मिल्किंग हो चुका है दोस्तों, उसके बाद भी देखिए इसका ऑर्डर कितना ज़्यादा है, और इसके शरीर में जान कितना है ये देखिए। एकदम छोटी सी गाय है और अंधेरा हो गया है, यहाँ अजोर का भी व्यवस्था नहीं है। ए पवन जी थोड़ा मोबाइल जलाइए ना, जलाइए। और अर्चना की मम्मी देखिए यहाँ हैं, ऐ देख लीजिए आकर के पास से। और देखिए दोस्तों मोबाइल जलाए हैं पवन जी का, तो इसका ऑर्डर भी देखिए मिल्किंग होने के बाद भी, और एकदम छोटी सी गाय है, हम लोगों के मतलब ये पसंद हो सकती है अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो। और इसका सिंग थोड़ा सा आगे की तरफ है ना, और इसका बछड़ा दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए इसका बछड़ा है, और 4 महीने का ये लग रहा है, 5 महीने का है बछड़ा।
और ये पड़वा है उस भैंस का। ए पसंदा हो? हाँ सब पसंद बोले हैं। तो थोड़ा पास में आवा ना, दोस्तों डर रही हैं तो। ए मारती नहीं ना चाची? हाँ ना मरखा नहीं है, चाची जी बोल रही हैं और भी लोग हैं तो बोल रहे नहीं। तो दोस्तों हम लोग आए हैं इतना दूर चल करके, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये गाय कैसी रहेगी और कितना इसका रेट होगा। तो दोस्तों हम लोग दूर से आए हुए हैं, थोड़ा जाने में और अंधेरा होगा, तो अब हम लोग वापस चलेंगे और थोड़ा रेट वेट पूछ लेते हैं, पता कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए चाची जी से हम रेट थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो इधर हैं चाची जी। चाची जी कितना रेट मांग रही हैं गाय को? 40,000। अच्छा वो थोड़ा सा मार रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने रेट को भी सुन लिया, और गाय को भी थोड़ा पास में लाइए ना मोबाइल, और गाय को भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। और देखिए इसका आर्डर हमको बहुत पसंद है, देखिए मिल्किंग हो चुका है उसके बाद भी। और दूध कितना बचा जी? 9 लीटर। दोस्तों 9 लीटर दूध है, ये पड़ोसी हैं तो बता रहे हैं, मतलब 4.5 लीटर एक वक्त में सच में होगा, क्योंकि देख लीजिए सच में इसके पास 9-10 लीटर दूध होगा। बहुत छोटी सी गाय है एकदम, और बछवा वहाँ पे है। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे, और रेट पानी देखिए 40,000, और 5 महीने का ब्याई हुई गाय है। तो दोस्तों ये गाय मतलब पसंद है हम लोग को, थोड़ा सा इसका सींग मांग थोड़ा सा अलग है, देखिए आप लोग, और इसका सींग थोड़ा देख करके मतलब थोड़ा सा सींग से आदमी हट जाएगा कोई भी आएगा तो। लेकिन दूध है इसके पास, और छोटी सी गाय है, कम खर्च में हम लोग इसको खिला पिला सकते हैं और दूध भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि इस गाय का 40,000 चाहिए कि कितना चाहिए। आप ही लोग रेट लगाते हैं हर गायों का, जितना गाय हम दिखाते हैं, तो इसका भी रेट आप लोग पक्का रेट बताइएगा। 9 लीटर दूध है, और 5 महीने का ब्याई हुई गाय है, और दूसरा ब्याह कि तीसरा? दोस्तों तीसरा ब्याहुत है ये, बाछी है ये। अच्छा बछिया है, दोस्तों हम सोच रहे थे बछवा है, बछिया है ये तो, और बढ़िया है बछिया है। तो देखिए दोस्तों इस गाय को, और चलते हैं दोस्तों हम लोग, क्योंकि लेट होगा, अंधेरा तो हो ही गया है। और इधर देखिए अर्चना की मम्मी से बात हो रहा है, ये सब लोग आपस में बतिया रहे हैं, तो पूरा हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो लोग आना नहीं चाहते हैं वीडियो में, इसलिए तो बातचीत चल रहा है। दोस्तों औरतों का मेल मिलाप जानते ही हैं आप लोग, तो बढ़िया रहेगा अगर पट जाएगा ये गाय तो। आप लोग कमेंट में पक्का रेट बताइएगा, 25, 30, 32 या 40, कौन सा ठीक रहेगा ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों हम लोग चलते हैं घर अब, थोड़ा अर्चना के मम्मी का राय जानते हैं। पसंद बा पौन जी? हाँ गाय ठीक है। ए पसंद है गाय आपको? हाँ। तो पास में आती नहीं है, बोलती है हाँ घास वास काटेंगी ना। हाँ तो चलिए, तो चलिए पसंद पौन जी, आपको भी ठीक लग रहा है गाय? हाँ ठीक तो है। दोस्तों ठीक है पौन जी भी बोल रहे हैं, और अर्चना की मम्मी को भी पसंद है और हमको भी पसंद है। लेकिन थोड़ा सा ये आप लोग बताइएगा कि इसका सींग जो है ये मतलब शुभ होता है अशुभ होता है, बहुत से लोग कई तरह से बात बतियाते हैं, तो उस सब बताइएगा। आप लोग गौपालक हैं, बहुत से गाय भैंस रखे हैं, तो सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि ठीक रहेगी कि नहीं। तो चलिए पौन जी चलते हैं हम लोग, हैं चलिए चलते हैं दोस्तों हम लोग घर, क्योंकि 1.5 किलोमीटर जाना है पैदल, तो रात तो हो ही जाएगा अब।